आइए आज हम सीखते हैं एक डिजाइनर कुर्ती। इस कुर्ती को बनाने के लिए मेरे पास ये 2.5 मीटर कपड़ा है, 2.5 मीटर फैब्रिक है ये, और इस कपड़े की चौड़ाई 44 इंच है, 44 इंच है। तो सबसे पहले हम इसमें जो चोली बनाएंगे उस चोली का कपड़ा निकाल लेंगे, पूरे कपड़े को खोल लेंगे और बस सिर्फ एक सिंगल पीस लेंगे और इसमें से हम अपनी चोली बनाएंगे, तो वो चोली की लंबाई निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो चोली की लंबाई है वो 15.5 इंच है, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे 16.5 इंच। इस कपड़े को हम ये जो हमारे किनार वाला पार्ट है इस तरफ से निकालेंगे और इसको ऐसे ही हम लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे। और हम हर तरफ से नाप लेंगे 16.5 इंच 16.5 इंच और हम इस कपड़े को निकाल लेंगे। अब हम इस वाले कपड़े में से अपनी चोली को तैयार कर लेंगे। तो पहले हम चोली का पिछला हिस्सा निकालेंगे, बैक पार्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सीने का 1/4+2 लेंगे और उतना हम इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। सीने का जो नाप है हमारे पास वह है 40 इंच, उसका चौथा आएगा 10, उसमें +2 करेंगे तो 12 इंच। सीने का जो नाप है वह है 40 इंच, उसका 1/4 करेंगे 10, उसमें +2 करेंगे तो 12। तो इस तरह से हमारा ये 12 इंच हो जाएगा। अब हम बैक पार्ट बना रहे हैं, हम 16.5 इंच लंबाई ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से लेंगे तख्ती का हाफ। तख्ती यानी फ्रंट शोल्डर, इसके लिए आप मेरा मेजरमेंट वाला वीडियो देख सकते हैं। तख्ती के नाप से बनाने से आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, आपके गले वगैरह गिरने की शिकायत खत्म हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर हमारे पास जो तख्ती का नाप है वह है 14 इंच, तो हम यहाँ से उसका हाफ लेंगे 7 इंच। अब हम यहाँ से हमारा आर्म होल का जो स्टैंडर्ड साइज है वह है 7.5 इंच, हम वही ले लेंगे। ये सभी बड़ों के लिए 7.5 इंच होता है और ये हमारा सीने का 1/4+2 रहेगा। यहाँ पर हम लेंगे कमर गोलाई का 1/4+2। कमर गोलाई के जो नाप है हमारे पास वह है 36 इंच 36 इंच, उसका चौथा आएगा 9 इंच 9 इंच और उसमें +2 करेंगे तो 11 इंच 11 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे कमर गोलाई का 1/4+2 लेंगे और उसको यहाँ ऐसे स्लांट मिला लेंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच बाहर की तरफ लेंगे और उसको यहाँ स्लांट तिरछा मिला लेंगे। और यहाँ से 1.5 इंच लेंगे कॉर्नर से और 1 इंच इसके बाहर की तरफ लेंगे। यहाँ से भी हम 1 इंच लेंगे और उसको इसके साथ मिलाते हुए बाहर वाली लाइन पर मिला लेंगे। इस फैब्रिक पे हमारी चोक दिखाई नहीं दे रही, मैं अलग अलग तरह की कई चोक का इस्तेमाल करने की कोशिश की है पर कोई भी चोक इस पर बहुत अच्छे से शो नहीं हो रही है। तो आप जो मैं बोल रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मेथड से आप इसमें मार्किंग कर लीजिए। अब हम इस वाले पार्ट की कटिंग कर लें। अब हम इस जगह से अपने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, तो अगले वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। अगले वाले हिस्से में हम पैटर्न दे रहे हैं तो हमें इसको चोली को थोड़ा लूज बनाना है, तो हमें 1 इंच इसको लूज करना है। तो हम 1 इंच इस तरफ ज्यादा रखेंगे, टोटल हमें 1 इंच रखना है तो हम यहाँ से 1/2 इंच ही ज्यादा रखेंगे। ये कि हमने निशान लगा लिया और अब हम इसको यहाँ पर ले लेंगे और अब हम सेम इसी के बराबर बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें हम नेक की और आर्म होल की शेप की हम बाद में कटिंग करेंगे। अब हम अपने नेक का निशान लगाएंगे, सिर्फ अब हम निशान लगाएंगे, कटिंग हम बाद में करेंगे। तो हमारे नेक की जो स्टैंडर्ड साइज चौड़ाई है वह है 2.5 इंच। मेरे को इसमें थोड़ा सा ब्रॉड नेक बनाना है तो मैं इसमें 3 इंच ले लूंगी। तो मैं यह 3 इंच पे इन चारों पीस में से एक छोटा सा बस कट
लगा लूंगी कि मेरे को एक निशान मिल जाए कि यहाँ से मेरा नेक की कटिंग होगी। तो अब हम ये जो हमने बड़ा रखा था इसको हम फ्रंट में रखेंगे और इसके नेक का हमारा ये निशान है इसके जस्ट पास से 1 इंच से मुझे एक सीधा लाइन करके कट करना है और उसमें मुझे पैटर्न देना है। ध्यान रखिए आपका निशान एकदम सीधा हो। और इसको अब हम यहां से कट कर लेंगे। इस पैटर्न देके फिर हम इसमें नेक की कटिंग करेंगे। और ये पैटर्न हमेशा ध्यान रखें आप कि लेफ्ट हैंड साइड पर आपका आएगा। ये हमारा कुर्ती का सीधा हिस्सा है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, उल्टे हाथ की तरफ हमारा पैटर्न होगा। इसमें हम इस कपड़े से पैटर्न दे रहे हैं तो वो पैटर्न मेरा ये टाइप का होगा। ऐसे ट्रायंगल करेंगे और ऐसे फिर ट्रायंगल ट्रायंगल हम बना लेंगे और इन ट्रायंगल्स को हम ऐसे रखकर यहाँ पर सिलाई करके यहाँ हम इन्हें जॉइन करेंगे। तो इसके लिए ये 3 इंच ऐसे लंबाई में कपड़ा है तो 3 इंच ही हमारा ये चौड़ाई में ऐसे हमें कपड़ा होना चाहिए। तो ऐसे हम 3-3 इंच के स्क्वायर ऐसे कपड़े के पीसेस कट कर लेंगे और उनको फिर ऐसे पहले ऐसे ट्रायंगल फिर ऐसे ट्रायंगल करके हम यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए रखेंगे। ये हमारा ये पैटर्न होगा। अब हम ये चोली का पिछला हिस्सा रखेंगे और इसके पास ही हम इसके नीचे अपने बाकी बचे कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो हमारे पास जो कुर्ते में चौड़ाई निकालने का तरीका वह है सीट गोलाई का 1/4 + 2 इंच। तो सीट गोलाई का नाप इसमें हमारे पास है 44 इंच, 44 इंच, 44 इंच का चौथा आएगा। सबका चौथा निकालने का तरीका यही है। आप इंची टेप को ऐसे 44 इंच पर रखिए, डबल फोल्ड करिए और फिर एक बार और फोल्ड कर लीजिए, यानी कि 4 बार फोल्ड कीजिए तो उसका चौथा हिस्सा निकल आएगा। तो हमारे पास इसका चौथा हिस्सा आता है 44 का 11, 44 का चौथा हिस्सा आता है 11। तो हम अपने कुर्ते की चौड़ाई निकालेंगे तो सी गोलाई का 1/4 + 2 लेंगे तो 11 इंच आया, उसमें +2 किया तो 13 इंच, तो 11 में +2 किया तो 13। तो हम यहाँ से ये सिंगल कपड़ा है खुलावा, यहाँ से 13 इंच लेंगे और इस कपड़े को हम ऐसे यहाँ से डबल कर लेंगे। आप हर तरफ से नाप लीजिए 13 इंच 13 इंच, 13 से ज्यादा होगा तो चलेगा बट कम नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमारा 13 इंच से थोड़ा ज्यादा ही है, हमें उतना ही जरूरत होगी। सब तरफ से आप कपड़े को बराबर करिए। इसके बाद आप इसके ऊपर थोड़ा इसको ओवरलैप करते हुए रखिए और फिर आप यहां से सीट लेंथ लीजिए। हमारे पास जो सीट लंबाई है वह 22 इंच है, 22 इंच है। तो हम यहाँ पर सीट गोलाई का 1/4 + 1.5 करेंगे इस वाले कुर्ते में। नॉर्मली कुर्तों में हम 1 इंच ही रखते हैं पर ये थोड़ा सा कुछ अलग बन रहा है तो इसलिए इसमें यहाँ पर मैंने 1.5 इंच प्लस करना है। तो ये यहाँ से मैं 22 इंच मैंने लिया। अब यहाँ पर सीट गोलाई का चौथा हिस्सा हमारे पास था 11 इंच, उसमें हम 1 प्लस करेंगे तो 12 और 1/2 इंच और 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 12.5 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ से 12.5 इंच लेंगे और उसको यहाँ पर ऐसे स्लांट मिला लेंगे। अब हमने यहाँ से 12.5 लिया है तो यहाँ से हम 1 इंच ज्यादा यानी कि 13.5 इंच हम ले लेंगे और इस निशान को इस निशान से ऐसे मिला लेंगे। अब हम ये वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। और यहां से ये जुड़ा हुआ साइड है तो हम इसको कट करके 2 पीस कर लेंगे। आप
अपनी लंबाई का भी ध्यान लगाइए, मुझे 46 चाहिए था और ये 47.5 है, तो हमें 1.5 इंच ही ज़्यादा लंबाई प्लस 1.5 इंच करना होता है। तो इस तरह से हमारा ये कुर्ता 46.5 हो गया। और इस बचे कपड़े में से हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, ड्राफ्टिंग एंड कटिंग स्लीव्स विद कर्व स्केल, उसमें मैंने कर्व स्केल से बहुत आसानी से स्लीव्स की कटिंग करने का तरीका बताया है। एक और मेरा वीडियो है हाउ टू कट कुर्ता स्लीव्स, उसको देखकर भी आप स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। इस चौकोर कपड़े को हम ऐसे ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे, तिरछा फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद एक बार और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और हम इस पे यहाँ पर लगाते जाएंगे। जब यहाँ आप लगाएं तो ध्यान रखें कि आपको इसके ऊपर ओवरलेप करना है, आपको एक दूसरे के ऊपर थोड़ा रखना है ताकि जब आप इनको आपस में जब ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, इसलिए हमें ऐसा करना होगा। इस तरह से देखिए हम ये लगाएंगे और सबका जो ये ऊपर वाला पार्ट है एक तरफ रखेंगे हम, उससे बस दिखने में अच्छा होगा और कोई उसका कोई और वजह नहीं होगी। अब हम इसको इसके साथ यहाँ पर ऐसे पकड़कर इन दोनों पार्ट्स को जॉइंट कर लेंगे। सिंपल सिलाई लगानी है हमें और हमारी जो ये सिलाई है इस तरफ देखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी ये सिलाई से लग गई, अब हमें ये सारे कंगूरे ये साइड रखना है, तो हम ऐसे रखकर यहाँ ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, उससे ये कंगूरे फिक्स हो जाएंगे, इस तरफ ही रहेंगे। अगर आप ये सिलाई लगाएंगे तो आपके इधर उधर होते रहेंगे, तो इसलिए हम यहाँ ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे, हम इसमें गोल गला बनाने जा रहे हैं, तो अब हम इसको ऐसे डबल फोल्ड करके और फिर अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। अब हम 2.5 इंच चौड़ा अपना नेक को लेंगे और 7.5 इंच हम अपने नेक की लंबाई रखेंगे और राउंड शेप दे देंगे। यहां से भी आप 2.5 इंच लीजिए और एक बॉक्स बना लीजिए और उसमें यह कॉर्नर्स पर ऐसे निशान लगाकर राउंड नेक बना लीजिए। अब हम यहां से एक आर्म होल का भी निशान लगा लेंगे, तो यहां से हम 1 इंच लेंगे और यहां हम बिल्कुल इक्वल चलेंगे और यहां गोलाई में होते हुए यहां पर हम इसमें ज्वाइन हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और अब हम इन दोनों चीजों की कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो नेक पेपर कैनवास पर कटिंग करके बना सकते हैं, मुझे यही तरीका कन्वीनियंट रहता है तो मैं इसी तरीके से बना लेती हूं। अब हम ये हमारा पिछला पोर्शन है इसको रखेंगे और इसके ऊपर हम अपने इस फ्रंट वाले पोर्शन को रखेंगे और हम ये देखेंगे कि ये पार्ट दोनों यहाँ से बराबर है या नहीं। हमने उसको 1/2 इंच ज़्यादा रखा था, तो अब ये देखिए इसके बिल्कुल बराबर है। अब हम पिछले वाले नेक की भी कटिंग कर लेंगे, तो पीछे वाला नेक मेरा स्टैंडर्ड साइज 3.5 इंच रहता है, तो मैं ऐसे 3.5 इंच ले लूँगी और चौड़ाई हम इसके बराबर ही रखेंगे। आप चाहें तो टेलर चौक से निशान लगाकर कटिंग कीजिए, मैं ऐसे ही हैंडल कर पाती हूँ तो मैं ऐसे ही कटिंग कर लेती हूँ। अब हम इस चोली में इसके नीचे वाला पार्ट हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे, तो हम यहाँ सेंटर निकाल लेंगे और ये हमारे कुर्ते के निचले हिस्से हैं, हम इनको भी यहाँ पर इनके सेंटर निकाल लेंगे और इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। सिंपल सिलाई लगा के हमें ज्वाइन करना है, ये लिया और इसको इसके ऊपर ऐसे रखा और ये जॉइंट सेंटर से सेंटर मिला और एक सीधी सिलाई हमें ऐसे लगा लेनी है। अब हमने यहाँ से इसको जॉइंट कर लिया है, एकदम सिंपल सिलाई लगाई है हमने। ये जॉइंट हमने पैटर्न देने के लिए किया है, तो वो पैटर्न आप जो हमें देना है
वो हम इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद देंगे। तो अब इसको हमें नॉर्मल कुर्ते की तरह सिलना है, हमें नेक पर तैयार करना है, फिटिंग दे लेनी है, स्लीव्स जोड़ लेनी है और उसके बाद हम इसको ये पैटर्न, यहाँ पर एक पैटर्न देना है वो देंगे। इसको सिलने के लिए आप मेरा हाउ टू मेक कुर्ता नेक वाला वीडियो देखकर कुर्ते का नेक बना सकते हैं, हाउ टू मेक कुर्ता स्लीव्स वाला देखकर कुर्ते की स्लीव्स जोड़ सकते हैं और हाउ टू मेक कुर्ता फिटिंग वाला वीडियो देखकर आप कुर्ते को फिटिंग दे सकते हैं। मैंने बहुत छोटे छोटे अलग अलग वीडियोस बनाए हैं जिनको आप फॉलो कर आपके कुर्ते को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमने अपने कुर्ते को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, स्लिट भी फोल्ड कर लिए हैं, बिल्कुल ये हमारा कुर्ता कंप्लीट है। अब हम इसमें एक डोरी बनाएंगे, तो वो हम ये जो हमने डिज़ाइन दिए इसके कलर की बनाएंगे। तो ये मैंने एक इंच चौड़ी एक स्ट्रिप्स काटी है, डबल इतनी है और उतनी ही डबल मैंने एक्स्ट्रा ली है, ये आप अपनी चॉइस से कम ज़्यादा ले सकते हैं। और इसको हम एक सिंपल सिलाई लगाकर डोरी बनाएंगे, इसको हम सिंपल सिलाई लगा के बनाएंगे। तो पहले हम इधर से और इधर दोनों तरफ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और फिर इन दोनों को एकदम बराबर यहाँ किनारे पर हम सिलाई लगाकर डोरी कंप्लीट कर लेंगे। अब हम जो ये वाली जगह है यहाँ पर भी एक पट्टी लगाएंगे। ये मैंने 2 इंच से थोड़ी सी ज्यादा 2.25 इंच चौड़ी एक पट्टी की कटिंग की है। ये पट्टी हमें हम यहाँ पर लगाएंगे और इसके अंदर हमारा ये डोरी होगी। तो इसके लिए हम इस पट्टी को यहाँ से पहले फोल्ड कर लेंगे और फिर इसको यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। अब हम अपने इस कुर्ते को, ये जो इसका निचला हिस्सा है, यहाँ से इसको ऐसे खोलते हुए ऐसे रखेंगे पूरा खोलकर, और ये जो साइड का स्लिट है यहाँ से हम इसको अंदर डालेंगे और हम ध्यान रखेंगे कि हमारा नीचे ये वाला कपड़ा नहीं आए, ये बस सिंगल कपड़ा रहे। डिज़ाइन लगाई यहाँ से तो हम लगाना स्टार्ट करेंगे और इस जॉइंट को पकड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे, तो उससे हमें इस जॉइंट से हमें एक निशान मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको रखेंगे और ऐसे फोल्ड करते हुए ये जो हमारी सिलाई है इसके थोड़ा ऊपर हम रखेंगे और एक सिंपल सी सिलाई लगाकर इस कपड़े को इसके साथ जॉइंट कर लेंगे। ध्यान रखें आपका ये नीचे वाला कपड़ा कहीं से भी पकड़ में नहीं आए। आप ऐसे अंदर हाथ डाल डालकर अपने कुर्ते को कपड़े को हटाती जाएं। अब हम हमारी इस जगह पर आ गए हैं, तो हम इससे थोड़ा बड़ा इसकी कटिंग कर लेंगे और यहीं से हम इस पट्टी को भी ऐसे और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इसके यहाँ पर इसके बराबर हम रखेंगे, ये जो हमारी पट्टी हमने लगाना स्टार्ट की थी हम यहीं आकर रुक जाएंगे। अब हम ये वाली जो पार्ट है इसको फोल्ड कर लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इस पट्टी को पकड़ेंगे और इसको यहाँ ऐसे रखते हुए यहाँ इस तरफ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब हम वापस से ये नीचे वाली सिलाई लगाएंगे, उसका मेथड हमारा वापस वही रहेगा। पूरे कुर्ते को हम यहाँ साइड्स के स्लिट से इस सिलाई यहाँ से अंदर लेंगे
और इस कपड़े को यहाँ पर रखते हुए फोल्ड करते हुए हम ऐसे यहाँ किनारे से सिलाई लगाते जाएंगे। लेकिन अब हम इसके अंदर हमने जो डोरी बनाई थी इसको भी रखते जाएंगे। और ध्यान रखें आप जब ये सिलाई लगाएं तो आपकी सिलाई डोरी पर नहीं आए। अब हमारी ये डोरी को हम खींच कर यहाँ से इसको फिटिंग दे सकते हैं अपनी ड्रेस को। ये डोरी के जो एंड्स है इन पर हम लूम्स बनाकर लगाएंगे। हम ऐसे ये कपड़ा लेंगे, इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से आप चाहें तो टेलर चौक की मदद से ऐसे गोलाई में निशान लगा लीजिए। और आप ऐसे ही कटिंग कर पाते हैं तो ऐसे ही कटिंग कर लीजिए। और आप छोटे बड़े आपकी चॉइस से आप इनकी कटिंग कर सकते हैं। ये वाले पार्ट को हमें थोड़ा छोटा रखना होगा। ये देखिए इस तरह से, तो इससे थोड़ा छोटा क्योंकि यहां पर जब सिलाई आएगी तो इक्वल हो जाएगी। ऐसे ही हम इस वाले पार्ट के भी दो टसल कटिंग करेंगे मस्टर्ड कलर के। इसको हम थोड़ा सा छोटा कट करेंगे। अब हम इतनी दूरी पर ये एक मस्टर्ड वाला ग्रीन वाला टसल लगाएंगे ये यहां पर। दोनों पेड़ हम ऐसे लगा लेंगे और एक एक हम यहां एकदम किनारे पर लगा लेंगे। ये हम इनको सीधा कर लेंगे। ये देखिए तो एक के बाद एक इस तरह की हमारी ये टसल या लटकन या लूप आप जो इसको बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारे ये हो जाएंगे तैयार। तो इस तरह से हमारी एक डिजाइनर ड्रेस कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।